सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। महात्मा गांधी की जयंती, अज पीएम मोदी समेत कई नेतावान ने राजघाट से दी श्रद्धांजलि। सीएम मान ने महात्मा गांधी ते लाल बहादुर शास्त्री ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया प्रणाम, कहा शास्त्री जी ने देश को तरक्की दी राह ते रोके। स्वच्छ भारत अभियान के 3 साल हुए पूरे, विकसित भारत की यात्रा च हर कोशिश स्वच्छता तो खुशहाली के मंत्र को मजबूत करेगी, कहा प्रधानमंत्री ने। अते हुन खबरां विस्तार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता के स्मारक स्थान राजघाट से पहुंच के बापू को श्रद्धांजलि दी है। इस तो बाद साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उन्होंने स्मारक स्थान विजय घाट पहुंची तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती से देश भर में वख-वख थावां पर प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री ते होर मौजूद सन। इस तो पहला कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी, पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नाल राजघाट पहुंचे ते दोवां ने महात्मा गांधी की समाधि ते श्रद्धा के फुल भेंट किए। गांधी जयंती ते उत्तर प्रदेश च भी कई थावां ते प्रोग्राम आयोजित किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन मौके उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके मुख्यमंत्री मान ने एक्स से पोस्ट सांझी करदे लिखे कि देश की आजादी च अपनी सोच के विचार सदका अहम भूमिका अदा करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उन्होंने जयंती मौके प्रणाम करदे दस दिए कि मुख्यमंत्री मान के नाल ही भारत के दूजे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी उन्होंने जन्म दिवस मौके श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने एक्स से सांझी की पोस्ट कहा कि सादगी, ईमानदार से सरलता की मिसाल भारत के दूजे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्होंने जन्म दिवस मौके सत्कार सहित प्रणाम। शास्त्री जी एक दूर अंदेशी सोच के मालिक सन जिन्होंने देश को तरक्की की राह पर तोरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मुहिम की शुरुआत के 10 साल पूरे होने के मौके पर 9600 करोड़ रुपए तो वाद की लागत वाले सफाई से स्वच्छता संबंधित कई प्रोजैक्टों के उद्घाटन से नींव पत्थर रखे तो कहा कि इस यात्रा च हर संभव कोशिश की जाएगी। राजधानी के विज्ञान भवन च महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम के हिस्सा लिया। नाल ही पीएम मोदी ने खुद झाड़ू लगा के स्वच्छ भारत मुहिम के योगदान पाया। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां है, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। हमारे सामने नमामि गंगे अभियान का एक मॉडल है। इसके कारण आज गंगा जी कहीं अधिक साफ हुई है। अमृत मिशन और अमृत सरोवर अभियान से भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये सरकार और जनभागीदारी से परिवर्तन लाने के बहुत बड़े मॉडल है, लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट और नदियों की साफ सफाई के लिए भी हमें निरंतर नई टेक्नोलॉजी पर निवेश करना है।
डेरा जगमाल वाली की गद्दी नूं लैके एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। डेरे के दूजे धड़े के श्रद्धालुओं ने डिप्टी कमिश्नर शांतनु शर्मा नूं मिल के अपना मंग पत्र सौंपिया, जिस च महात्मा बीरेंद्र सिंह ढिल्लों विरुद्ध गोलीबारी ते अनैतिक गतिविधियां दे दोष लाए ने। श्रद्धालुओं ने बीरेंद्र सिंह ढिल्लों नूं डेरे चों बाहर कढ़ के डेरे की वांगडोर श्रद्धालुओं नूं सौंप के कार्रवाई की मांग की है। संत वकील साहब सेवा समिति दिल्ली के मीत प्रधान संजय गुज्जर ने दोष लाया कि वकील साहब के गद्दी छड्डन तों बाद बीरेंद्र सिंह ढिल्लों ने कुछ अखौती लोगों की मिली भुगत नाल जबरदस्ती गद्दी कब्जा किया। ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 38 ਸਾਲਾ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ DSP ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭੈ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ DSP ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੁਗਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਰੌਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸਥਿਤ BDP ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ BDP ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਆਗਾਮੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਰਗ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਤਕੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ 433 ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਸੀ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ 5 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਰਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੌਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਮਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
अमृतसर के भगता वाली दाणा मंडी विखे मजदूर ते आड़ती एसोसीएशन वालों सूबा सरकार खिलाफ अपनी हकी मंगा ते लेबर के पैसों च वाधा करन दे मुद्दे नूं लैके पंजाब सरकार नूं घेरदियां रोस प्रदर्शन किया ते अपनी मंगा संबंधी सरकार नूं अल्टीमेटम भी दिता। इस संबंधी मजदूर एसोसीएशन के प्रधान कपूर सिंह ते मजदूर शिंगारा सिंह ने दस्सिया कि उन्हां दी लेबर दे रेट विच 2011 तो हुण तक 13 सालां च वाधा नहीं होया, हालांकि उह उस समय तो ही पुराने रेटां ते काम करन नूं मजबूर ने, जिस नाल मजदूरां दा वड्डे पद्धर ते शोषण हो रिहा। उन्हां आखिया कि जेकर सरकार वल्लों उन्हां दियां मंगां ना मन्नियां गईआं तो जल्द तिखा संघर्ष लिखण लई मजबूर होणगे, जिस दी जिम्मेवार सरकार होगी। पंजाब सरकार वालों सूबे दियां मंडियां विच 1 अक्तूबर तो झोने की सरकारी खरीद शुरू करन दे निर्देश जारी किए गए सन, पर कोई टावी जगह ते झोने की सरकारी खरीद शुरू हुई है। पर इस बार पंजाब दे विचों सब तो पहली बार राजपुरा विच हुई झोने की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, जिसनों विधायक मैडम नीना मित्तल ने शुरू कराया। उन्हें बलजिंदर सिंह वासी पिंड भब्बल की झोने की फसल की सरकारी खरीद कराई। विधायक नीना मित्तल ने कहा कि किसी भी आड़ती वालों हड़ताल नहीं की गई, ना ही किसी लेबर वालों हड़ताल की गई। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान ते आड़ती नूं परेशान नहीं आउण दित्ती जाएगी। देखो, राजपुरा मंडी हमेशा ही नंबर वन रही है और सब तो पहली खरीद ऑलमोस्ट राजपुरे दी हुंदी है, पर जेड़ियां कुछ मंगा नूं लैके जां विच में इह वी कहूंगी कुछ राजनीतिक दबाव भी है, राजनीतिक गेमां भी खेलियां जांदियां जेड़ियां आईयां सी कि मंडियां नूं बंद किया जाए, तो मैं साडी मंडी दे प्रधान दविंदर जी ते इन्हां दी सारी टीम नूं बहुत बहुत मुबारकां भी दिंदी और धन्नवाद भी करदी हां कि इह उन्हां हड़तालां दे विच ना पै के इन्हां ने मंडी नूं देखिया, अपनी फसल नूं देखिया और सरकार दा कहना मनिया। अज मंडी च जिन्नी भी फसल आई सारी तुलाई गई है, सारी दी बोली हो चुकी है ते लिफ्टिंग भी हो रही है, तो मैं इन्हां दा सीएम साहब वालों भी धन्नवाद करदी हां। मिशन तंदुरुस्त पंजाब तहत जिले विच लोकां नूं साफ ते मियारी खाद पदार्थ मुहैया करवाउणा सेहत विभाग की जिम्मेवारी है। इस ते लगातार फूड टीम वालों जिला हुशियारपुर के वख-वख हिस्सों छापेमारी की जा रही है। इसे दे चलदियां जिला सेहत अफसर डॉक्टर जतिंदर भाटिया, फूड अफसर मनीष सोडी की टीम वालों कस्बा मुकेरियां ते हाजीपुर विच मिठाई बनाउण वाली फैक्ट्री की चैकिंग की गई, जिथे घटिया जगह ते मिठाई तैयार की जा रही सी। कई मिठाई नंगियां पईयां सन ते मिठाई बनाउण वालियां वालों कोई अप्रल मास्क जां ही दस्ताने पाए हुए सन। इस ते सेहत विभाग वालों घटिया मिठाई नष्ट करवाई गई, सैंपल भी ले गए ते ताड़ना करके इस नूं इंप्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया गया। जिदा त्यौहारी सीजन चल रहा है, असी मिठाइया दियाँ जिते मैनुफैक्चरिंग हो रही या कोई भी ऐसा आइटम जिते बन रही है उत्थे असी फ्रीकुएंटली विजिट कर रहे हैं और उरे दौरान ही असी अज मुकेरियां का भी टूर लाया, जिते जी इतने एक वड्डी जी मैनुफैक्चरिंग साइट हैगी है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और जिन्नी भी बाकी तरह की मिठाइया बनदियाँ, इतने पेठा वगैरह भी बनता है, उन्होंने असं चैकिंग करने आए हैं। इन्हों के इतने थोड़िया बहुत सानू भी कमियां पेशियां पाई गई, इन्होंने पहले भी असं दिता ही सुधार करने लिए, वो कमियां पेशियां कर सकते हैं सुधार, कोई और वड्डी गल नहीं है और इन्हों अं समझाना चाहते हैं कि ये कमियां पेशियां जल्दी तो जल्दी विद इन 10 डेज पूरी कर, एटलीस्ट 1 वीक, क्योंकि ये त्यौहारी सीजन च अं नहीं चाहते कि जो लोगों की सेहत के नाल कोई खिलवाड़ हो। पंजाब अंदर सरपंची दियां चोणां 15 अक्तूबर नूं होण जा रहीयां ने, इस दौरान कई जगह सर्वसंमति नाल सरपंच ते पंच चुणे जा रहे ने, कई जगह हालात कुछ होर ने। इसे तरह का मामला जिले फतेहगढ़ साहब के थाना मंडी गोबिंदगढ़ अधीन पैंदे पिंड मुगल माजरा विखे सामने आया, जिथे सरपंची दे उम्मीदवार के पति गुरसेवक सिंह नूं धमकी भरी कॉल आई है ते नाम वापस लैण की गल आखी है ते वापस ना लैण की सूरत दे विच गंभीर सिट्टे भुगतण की धमकी दी गई है। इस संबंधी गुरसेवक सिंह ने दस्सिया कि दियोल नां दे व्यक्ति वल्लों उस नूं फोन किया गया, कहा कि वह बठिंडा जेल तो दियोल बोल रहे हैं, उस नूं उसके कागज़ वापस लैण की गल आखी थी, वापस ना लैण की सूरत विच गंभीर नतीजे भुगतन की गल आखी है, जिस संबंधी गुरसेवक सिंह वालों थाना मंडी गोबिंदगढ़ विखे इस संबंधी शिकायत दे दी गई।
संगरूर जिले के सनाम विच लेबर ठेकेदारां ते लेबर दे विच विवाद खड़ा हो गया। ठेकेदार वालों ठेका लिया गया पर लेबर यूनियन ने ना काम करने की गल आखी है। मौके पर भारी पुलिस भी तैनात की गई ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके। दरअसल ठेकेदार वालों गोदामा च स्पैशल तो माल लिया के लाने का ठेका लिया गया जिसनों ट्रक ओपरेटर ने तो साथ दिता पर लेबर यूनियन वालों इसका विरोध किया गया जिसनों लैके उन्होंने वालों उन्होंने गोदामा में दाखिल नहीं होने दिता गया। इस मौके ठेकेदारा ने कहा कि उन्होंने सरकार दी हदायतों के मुताबिक यह ठेका लिया जो कि लेबर का कहना है कि उन्होंने अंदर नहीं जान दें। एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट के गुरु नानक मल्टी यूनिवर्सिटी वालों विशाल विद्यार्थी कॉन्फ्रेंस गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब विखे आयोजित की जा रही है। इस मौके सारे प्रबंधकों के बच्चों वालों श्री अकाल तख्त साहब अरदास की गई। इस मौके पर जसविंदर सिंह खालसा दविंदर सिंह सने वख-वख स्कूलों के विद्यार्थी तो स्टाफ हाजिर है। बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट के 41वें सालाना समागम नूं समर्पित भलाई केंद्र विखे गुरमत समागम करवाए गए जिस विच खास तौर पर बाबा सुखदेव सिंह भुच्चो वाले भाई महकप्रीत सिंह भाई गुरशन सिंह लुधियाने वाले ते बीबी मनुप्रिया कौर दिल्ली वाले बीबी कौला जी बाल फुलवाड़ी जत्था ते भलाई केंद्र के प्रमुख जत्थों तो इलावा भाई गुर इकबाल सिंह जी ने कथा कीर्तन दीआं हाजरियां भरी। पंजाब विच वध रहे नशे नूं रोकण लई लगातार ही पंजाब पुलिस ते पंजाब सरकार वल्लों अड्डी चोटी दा जोर लाया जा रहा है जिसके चलदे अमृतसर पुलिस नूं उस समय वड्डी सफलता हासिल हुई जदों अमृतसर थाणा छेटा दी पुलिस ने वड्डी मात्रा च नशा ते ड्रग मनी बरामद की है। अमृतसर दे डीसीपी विजय आलम सिंह ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया नूं जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि मुलजमां पासों 100 ग्राम हैरोइन 2690 ड्रग मनी बरामद हुई ते पुलिस ने इन्हां खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। हुण नज़र मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाज़र होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।